नमस्कार। एक बूढ़ी औरत जो अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों से उम्मीद करती है कि उसका जीवन अब बहुत अच्छा गुजरेगा और वो उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन उसे क्या पता होता है कि वही बच्चे उसे एक दिन वृद्धा आश्रम की दहलीज पर लाकर छोड़ देंगे और उसका बचा जीवन वृद्धा आश्रम के सहारे गुजरने वाला होगा। एक महिला का जीवन पैदा होने से उसकी मृत्यु तक संघर्षों से भरा होता है। कई बार सोनोग्राफी में पता लगने के बाद कि लड़की है, लोग उसे पेट में ही मार देते हैं। कई बार जन्म लेने के बाद जिंदा गाड़ देते हैं। जैसे तैसे वो अप्राकृतिक मौत से बचती है, तो जब वो बड़ी होती है तो जिसे वो अपना शुभचिंतक समझती है, चाहे वो अंकल हो, चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, जो भी हो, वे उसका शारीरिक शोषण करते हैं। यहाँ पर से उसके जीवन के संघर्षों की शुरुआत हो जाती है। अगर वो यहाँ पर से भी बच जाती है, जब वो स्कूल कॉलेजों में अपनी शिक्षा के लिए जाती है, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए जाती है, तो एक आवारा सा लड़का आता है जो दिखने में हमारी तरह होता है, लेकिन उसके अंदर एक वहशीपन होता है, एक जानवर होता है जो अपने एक हाथ में तेजाब की बॉटल और एक अपने हाथ में कॉन्डम का पैकेट लेकर आता है और कहता है, चॉइस इज़ योर, तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है। जैसे तैसे वो इस तरह के समाज, इस बुराइयों से भी निकलती है और आगे बढ़ती है, अपनी ज़िंदगी में अच्छी शिक्षा लेती है, बहुत कुछ अचीवमेंट करती है और अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। अगर उसकी नौकरी भी न लगे तो उसकी शिक्षा वो इस तरह से लेती है कि वो अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व अपना बना सके। उसके बाद एक दिन उसके पिता का फ़ोन आता है और उससे ये कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, अब तुम्हें घर आना है वापस। अब अगले 15 दिनों में तुम्हारी शादी है और तुम्हें अपनी ससुराल में खुश रहना है। हालांकि अब समाज थोड़ा बदल रहा है। जैसे मैं अपने घर की ही बात करूं तो जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तो उनसे बाकायदा ये राय ली गई थी कि ये आपको जीजाजी पसंद है या नहीं। तो आजकल ज़्यादातर समाज थोड़े खुलेपन में आ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का एक ज़्यादातर हिस्सा आज भी महिलाओं को संपत्ति की तरह ट्रीट करता है। माता पिता अपना ये पूरी तरह से कर्तव्य समझते हैं कि मैंने अगर इस व्यक्ति को तय कर दिया तुम्हारे लिए, तो इससे अच्छा तुम्हारे लिए पूरे संसार में कोई भी बेहतर नहीं होगा। वो 1% भी अपनी बेटी से राय नहीं लेना चाहते हैं, और जो राय लेते हैं वो दबावपूर्ण राय लेते हैं कि बेटा ना मत करना वरना हमारी नाक कट जाएगी। जैसे तैसे वो शादी करती है और शादी करने के अगले ही रात उसे पता लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी में जो होने वाला है वो पूरी ज़िंदगी होते रहेगा। जो होने वाला है वही हमारा टॉपिक है, मैरिटल रेप। नमस्कार, एक बार फिर मैं हूँ विकास टेकरे और आपका स्वागत करता हूँ द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैरिटल रेप पर बात करेंगे। मैरिटल रेप आखिरकार क्या होता है? मान लीजिए मैं आपके घर में मेहमान बनकर आता हूँ और आप मुझे एक गिलास पानी देते हैं और मुझे नहीं पीना, तो मैं कह दूंगा कि मुझे नहीं पीना, प्यास नहीं लगी, आप रख देंगे। लेकिन आप थोड़े अजीब प्रकार के होस्ट हैं और मैं आपके घर में मेहमान के रूप में आया, आपने एक बॉटल पानी लिया और कहा पियो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पी सकता, मैंने अभी पी कर आया हूँ। आपने बॉटल ली और मेरे मुंह में डाल दी और पूरी बॉटल खाली कर कर माने, चाहे मैं मर जाऊँ मैं जीऊँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात जब मैरिज में आती है, एक पति जब पता नहीं कहाँ से अपने इमोशंस, अपनी हवस जगा कर आता है और अपनी पत्नी से कहता है मुझे सेक्स करना है। पत्नी कहती है कि नहीं, मैं अभी नहीं कर सकती, मेरी तबीयत ख़राब है या फिर मेरा अभी मूड नहीं है। पति कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपनी हवस मिटाना है, बात ख़त्म। और वो टूट पड़ता है एक जानवर की तरह। यही मैरिटल रेप होता है। अगर वो यही हरकत किसी दूसरी महिला या किसी लड़की के साथ में करता है तो रेप होगा और लंबे साल के लिए उम्र कैद के लिए वो पहुंच जाएगा जेल में। लेकिन सोचो, यही चीज़ वो पूरी उम्र भर अपनी औरत के साथ में करते रहता है, तब तक करते रहता है जब तक वो खुद हार ना मान ले। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताऊं कि एक दिन मैं यूट्यूब को यूं ही स्क्रॉल कर रहा था और अचानक एक वीडियो सामने आया और मैंने उस वीडियो को देखा, तो उसमें एक डॉक्टर एक केस के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक बार एक लड़की से शादी हुई और उसे लगा कि अब वो उसकी ज़िंदगी में बहुत खुश रहेगी, माता पिता ने हंसी खुशी उसे विदा किया। अब उसकी फर्स्ट नाइट थी, उसके पति ने कुछ टैबलेट लिया ताकि वो अच्छा सेक्स कर सके और काफ़ी इन्जॉय कर सके, तो उसने टैबलेट वगैरह ली और उसके साथ सेक्स किया और उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई। लड़की को वो बताना चाहती थी, अपने ससुराल में अपने घर में फ़ोन करके बताना चाहती थी, लेकिन उसने ये सोचा कि पहली रात है, यूं ही होता रहता है। तो
दूसरी रात को भी यही हुआ, तीसरी रात को भी यही हुआ। अब लड़की को ब्लीडिंग होने लगी, उसकी तबीयत बहुत कमज़ोर हो गई। और एक दिन उसके ससुराल वालों ने उसके मायके फ़ोन कर दिया और कहा कि आपकी लड़की काफ़ी ज़्यादा बीमार है, और कुछ ही दिनों में उस लड़की की डेथ हो गई। अब सोचिए, यहाँ पर एक पूरी जान चली गई और लड़के का क्या गया? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैरिटल रेप तो अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं। अगर आता तो उस लड़के को इतनी बुरी सज़ा मिलती कि लोग डरते, उसे याद रहता कि उसने क्या किया। पर नहीं, उसने अपनी खुशी के लिए, अपने शारीरिक एन्जॉयमेंट के लिए उसने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ही नहीं की, बल्कि उसकी जान भी ले ली। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, भारत में 78% केस सिर्फ इसीलिए रजिस्टर्ड होते हैं घरेलू हिंसा के, क्योंकि घरेलू हिंसा के पीछे रीज़न होता है मैरिटल रेप। पति के द्वारा असमय शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा करना मैरिटल रेप। बार बार ऐसी इच्छाओं के चलते पत्नियां या फिर महिलाएं 300, 498 के तहत घरेलू हिंसा का केस करती हैं। जबकि भारत में ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि 1860 में मेकाले ने आईपीसी बनाया था, और जो मेकाले ने आईपीसी इंडियन पिनल कोड बनाया, वो अंग्रेज़ों की सिस्टम से निकल कर आया था। उस समय पर जो इंग्लैंड था, वहाँ पर मैरिटल रेप को रेप कंसिडर नहीं किया जाता था, इसलिए भारत में भी इसे माना गया कि मैरिटल रेप को रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। और फिर बाद में 1947 के बाद जब हमारा नया संविधान बना, तो इसी सेक्शन को 375 में कन्वर्ट किया गया और 375 रेप की धारा बना। लेकिन 375 में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि मैरिटल रेप को रेप माना जाएगा, यानी कि मैरिटल रेप रेप की कैटेगरी से बाहर था। 1991 में जो यूके है, जो इंग्लैंड है, उसने मैरिटल रेप को रेप माना, लेकिन उनके संविधान को कॉपी करके जो हम हमारे सर में लपेटे हुए थे, हमारी आँख नहीं खुली और हम अभी भी मैरिटल रेप को रेप मान रहे हैं। 2013 में जब दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना निर्भया कांड हुआ, तो इसके बाद में उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने JS वर्मा समिति बनाई। इसका काम था कि महिला सुरक्षा को लेकर ये सुझाव दे, ताकि सरकार एक पुख्ता कानून बना सके महिला सुरक्षा के लिए। इस JS वर्मा जो समिति थी, इस समिति के सुझावों में जो मैरिटल रेप थे, इन्हें क्रिमिनलाइज करने की भी बात की गई थी, यानी कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक श्रेणी में घोषित करने की भी बात कही गई थी। लेकिन मनमोहन सरकार ने वैवाहिक बलात्कार के सुझाव को छोड़कर सभी सुझावों को मान लिया। यहाँ पर बात केवल मनमोहन सरकार की नहीं है, यहाँ पर BJP की सरकार की भी है, क्योंकि 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर केंद्र सरकार से अपनी राय पूछी, तो मोदी सरकार का जवाब था कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक घोषित करने से समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर उन 150 देशों का क्या जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक घोषित किया है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश, विश्व के ज़्यादातर विकसित राष्ट्रों ने वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक घोषित किया है, उनका ताना बाना नहीं बिगड़ता। यहाँ पर केंद्र सरकार का ये सवाल या ये जवाब था कि अगर हम मैरिटल रेप को आपराधिक घोषित करते हैं, तो ये होगा कि ज़्यादातर महिलाएं अपने पति के ऊपर ये दबाव बनाने लगेगी कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हारे ऊपर मैरिटल रेप का केस ठोक देंगी। अगर ये इतना आसान होता, तो आप ही सोचिए, यूरोप में या फिर उन देशों में 150 से ज़्यादा दुनिया भर के देशों ने मैरिटल रेप को आपराधिक घोषित किया है, तो उन देशों का सिस्टम तो आज तक पूरा बौखला गया होता। लेकिन वहाँ तक पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम बस ये बहाने खोज रहे हैं कि हमारे पास में ऐसी कोई प्रावधान ना है। इसके पीछे ये है कि भारत के ज़्यादातर नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से आते हो, वो ऑर्थोडॉक्स है। वे अपने रूढ़िवादी विचारधाराओं पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं चाहते, वे महिलाओं को बराबरी देना नहीं चाहते। वो 33% आरक्षण देकर इतने खुश है कि मान लो हमने भारत के इतिहास में क्या ही कर दिया। वो ये भूल जाते हैं कि जब समाज दो लोगों से मिलकर बना है, तो फिर आप 33% आरक्षण देकर इतने उछल क्यों रहे हैं? आरक्षण तो आपको 50% का देना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि समलैंगिकों को, LGBTQ को समाज में बराबरी का दर्जा न मिले। वो ये नहीं चाहते कि वो भी हमारे साथ राजनीति में भाग ले, वो हमारे ही साथ अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करें। वो बस यही चाहते हैं कि वो बस रेलवे या फिर ट्रेन कहीं भी आपको तालियां ठोकते नजर आ जाए। हमारे जो ऑर्थोडॉक्सपन है, जो हमारा रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है।
2019 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दीपक मिश्रा जी, उन्होंने भी मैरिटल रेप को आपराधिक घोषित करने की बात कही थी और इसे गलत माना था। 2021 में केरल हाई कोर्ट ने भी इसके खिलाफ बात कही और उन्होंने भी इसे गलत माना। दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की बात कर लें, हम 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो 2015-16 में जो हर 3 में से एक महिला के साथ में मैरिटल रेप हुआ जिसकी उम्र 18 से 49 के बीच में थी, हर 5 में से एक पुरुष ने मैरिटल रेप किया अपनी पत्नी के साथ में। आप सोच सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। भाई, हम दूसरी फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, भारत में 12% पुरुष ऐसे हैं जो मैरिटल रेप को अपना अधिकार मानते हैं, वहीं पर 53% महिलाएं जो कि बेरोजगार हैं, जो किसी नौकरी में नहीं है, या तो वो हाउसवाइफ है या अपने पति के अधीन है, वो मैरिटल रेप का शिकार है। और यहाँ पर 26% महिलाएं जो कि नौकरी पेशा हैं, जो कि अच्छे अच्छे पदों पर हैं, वो भी मैरिटल रेप का शिकार हैं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, 1932 में पोलैंड ने दुनिया में सबसे पहले मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया था। 1970 में यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने, अपने 50 राज्यों में एक साथ सभी ने मिलकर मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया। 1980 में यूरोपीय यूनियन ने 27 यूरोपीय देश, जो कि यूरोप में 27 देश हैं, इन सभी ने मिलकर अपने यहाँ आपराधिक घोषित किया मैरिटल रेप को। 2002 में नेपाल जैसे देश ने, जिसे हम बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही छोटा समझते हैं, उसने तक इतने साल पहले मैरिटल रेप को आपराधिक घोषित कर दिया। 1976 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा किया था। दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि हम जहाँ पर हमने मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया है, तो हमारे साथ कौन कौन से सम्माननीय देश हैं जो कि हमारे साथ इस लिस्ट में सुशोभित होते हैं। तो उनमें हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब जैसे देश हैं जहाँ पर पहले से ही महिलाओं की स्थिति कितनी खराब, कितनी बुरी स्थिति में है। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि जहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, उन्हें एक जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। उन देशों के साथ हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, यहाँ पर आपराधिक घोषित नहीं किया गया है, तो यह हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है कि हम महिलाओं को बराबरी का हक कहाँ दे रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो समाज होता है वो एक गाड़ी की तरह है जिसके दो पहिए हैं, एक पुरुष है और एक महिला है। और बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो भारत है उसकी अर्थव्यवस्था, उसका सामाजिक ढांचा एक पहिए पर चलने वाली गाड़ी है, जो कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी लड़खड़ाता है। यही कारण है कि 76 सालों बाद भी हम अपनी अर्थव्यवस्था में कहाँ हैं। और हमसे बहुत आगे विकास शुरू किए गए देशों की अर्थव्यवस्था को देखिए, उनकी आबादी भले ही हमसे कम हो, उनकी जीडीपी भले ही हमसे कम हो, लेकिन वो खुद की तुलना में खुद से बहुत आगे हैं, हम नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे समाज का दूसरा पहिया गायब है और वो गायब किया अगले वाले पहिए ने। हमारा पुरुष प्रधान समाज का जो ढांचा है वो बिगड़ ना जाए, इसके लिए हम महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते, हम उन्हें पढ़ने नहीं देते, हम उनकी बात नहीं मानते। अगर महिला कहे नो मीन्स नो, तो पुरुष एक थप्पड़ जड़ता है और कहता है कि तुम्हारा नो अब भी निकाल लेता हूँ मैं। मुझे महात्मा गांधी की वो बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर बात कही थी। पूरी तरह से तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन उसका कुछ भाव इस तरह से है कि जिस दिन भारत की महिलाएं बिना किसी डर के भारत की सड़कों पर घूम पाएंगी, उस दिन ये माना जा सकता है कि भारत सफल है, भारत की वास्तविक स्वतंत्रता उस समय नजर आएगी। क्योंकि अगर हम महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार ना दे सके, तो हमारी आज़ादी का अर्थ क्या रह जाता है? क्योंकि आज़ादी तो केवल पुरुषों की हुई, महिलाओं की कहाँ से हुई? इसीलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम महिलाओं और पुरुषों को बराबर समान अधिकार दें और महिलाओं का सम्मान करना सीखें। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरी माँ एक महिला है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरी बहन एक महिला है। मैं इसलिए भी उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मेरे जीवन में आने वाली एक लड़की, मेरी पत्नी, एक महिला होगी। मैं उनका सम्मान इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनकी केयर करता हूँ। और महिलाओं का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो महिला है,
उनका सम्मान सिर्फ इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बच्चे पैदा करती है या फिर एक नए जन्म को, एक नए जीवन को जन्म देती है। महिलाओं का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो पुरुषों के समान हैं, उनकी समान भागीदारी समाज में है। उनका सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि शूद्रों का शोषण भले ही 1000-1500 सालों से होता रहा हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान तो चिरकाल से हो रहा है। शूद्रों के घर की महिलाओं का भी शोषण होता है और ब्राह्मण के घर की महिलाओं का भी शोषण होता है। हम इसे रोक सकते हैं क्योंकि जब हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। जब समाज में एक नई चेतना, एक नई विचारधारा आएगी तो उसी चेतना से निकले युवा, उसी चेतना से निकले समाज के हिस्से सरकार का हिस्सा बनेंगे और समाज प्रोग्रेसिव माइंड की बनेगी। और जब सरकार प्रोग्रेसिव माइंड की बनेगी, नया सोचने वाली होगी, तो रूढ़िवादी परंपराओं को लात मारकर हमारे लिए नए बदलाव करेगी। क्योंकि याद रखिए, बदलाव आज नहीं हुए तो कल होंगे, लेकिन अगर बदलाव कल हुए तो कल हमारे ऊपर थूकेगा और कल आज के लिए ये सोचेगा कि क्या चूतिया लोग थे हमारे लिए कुछ कर कर नहीं गए। इसीलिए कल के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि कल हमारे ऊपर फक्र करें। इसलिए वीडियो के अंत में बस इतना ही कि आज अपने लिए कुछ ऐसा कीजिए कि कल आपको भी लगे कि आज आपने पिछले कल में आज के लिए कुछ बेहतर किया था। इसलिए अपने आज को बनाने में लग जाइए, कल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कल की चिंता करते रह गए तो कल जाकर सोचेंगे कि मैं तो कल आज की चिंता करके रह गया था। आपको सिर्फ इसी वीडियो तक नहीं रुकना है। वैवाहिक बलात्कार के बारे में, हमारे समाज में महिलाओं के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और वैवाहिक बलात्कार से जुड़े और भी वीडियोस को देखिए और समझिए कि कभी हमारी माँ के साथ ऐसा हुआ होगा, आज हमारी बहन के साथ कहीं ऐसा होता रहा होगा और शायद हम में से कोई आने वाले समय में अपनी पत्नी के साथ ऐसा करेगा। और प्लीज़ कुछ देखे ना देखे डिस्क्रिप्शन का पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर आप एक महिला के ज़रिए समझ पाएंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ था उसके दौर पर। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता था। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।